वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं पर नजर रखने के लिए उन्हें चिप से लैस कार्ड दिए जाएंगे। ये फैसला माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने लिया ताकि कटड़ा से लेकर भवन तक के पूरे रास्ते में यात्रियों की निगरानी की जा सके। कार्ड में चिप होने की वजह से श्रद्धालुओं की हाईटेक निगरानी हो सकेगी। होगा कुछ यूं कि वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने से पहले यात्रियों को चिप से लैस ये कार्ड दिए जाएंगे, जिनसे श्रद्धालुओं के मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकेगा और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की हर वक्त उन पर नजर रह सकेगी। और इससे ये भी पता चलेगा कि कहीं कोई यात्री फर्जी कार्ड पर यात्रा तो नहीं कर रहा। और इसी वजह से यात्रा के रास्ते में जगह जगह श्रद्धालुओं की चेकिंग की जाएगी। बताया जा रहा है कि कटड़ा से लेकर भवन तक 7 जगहों पर श्रद्धालुओं की जांच होगी, जिसके लिए 25 काउंटर खोले गए हैं। साथ ही चिप वाले इन कार्ड की स्कैनिंग के लिए 3 पॉइंट भी बनाए गए हैं। जब श्रद्धालु इन रास्तों से गुजरेंगे तो वहां लगी सेंसर चिप से लैस उन कार्ड को स्कैन कर लेंगे। सभी कार्ड स्कैन होंगे और हमें समझ आएगा कि कौन कौन से लोग ने यात्रा प्रारंभ कर ली है। बताया गया कि यात्रा के दौरान अगर कोई भी आपदा आ जाए तो इन चिप की मदद से श्रद्धालुओं को ढूंढने में आसानी होगी। हालांकि यात्रा पूरी होने पर यात्रियों को ये कार्ड वापस जमा कराने होंगे।